गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय श्री राम। मॉर्निंग के हो रहे हैं 8 और मैं फिर, आपको पता ही है, मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन ठंडी इतनी पड़ती है, मैं अकेली हूँ तो कुछ काम रहता नहीं, इसलिए बिस्तर में पड़ी रहती हूँ। बट अभी मैं बिस्तर से उठ के जा रही हूँ फ्रेश होने, और मोटर चल रहा है, मैं नहाऊंगी, नहा के सबसे पहले पूजा करूंगी, पूजा करने के बाद फिर देखती हूँ क्या क्या काम करना है। और गाइस, कल का दिन बहुत 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 ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही रोना भी आया, और कल का दिन के बाद एक अंदर जोश भी आई है, एक जोश आता है ना कि अब भरोसा है कि मतलब हाँ सब चीज़ अच्छा होगा। मतलब कहते ना कि अगर सोच अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, तो जो चाहो वो हो जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये नहीं सब जो किस्मत पे ठोकते हैं, जब आप कदम उठाओगे नहीं तो किस्मत खुद चल के आएगी, नहीं तो ये मेरे दिल में एक और उम्मीद जगी। तो बातें तो होती रहेंगी, सबसे पहले मैं नहावा लूँ, उसके बाद बने रहिए वीडियो में, जो भी आज करती हूँ दिखाती हूँ। गाइस, मेरा नहाना धोना हो गया है, मेरा पूजा पाठ हो, और ये मेरा चाय भी हो चुका है, और मैं चाय पीऊँगी क्योंकि कल भी कुछ नहीं बना के खाया था, और सुबह बस 4 पूरी रात में भंडारे में खाई, वो भी मुझे भूख ही लगी है। सबसे पहले मैं ये चाय छानूंगी कटोरी में ढेर सारा। और फिर ये किचन से रूम की तरफ। गाइस, ये मेरा नमकीन और टोस्ट, कि आज भी खाना मैं बनाने वाली हूँ नहीं, सब्जी मैंने लाई नहीं है। और ये मेरा टोस्ट, चाय, मैं नाश्ता कर लूँ सुकून से। गाइस, फिर मैं नेक्स्ट का बताती हूँ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो हे गाइस, ये रिया आ गई है, और ये क्या कहते हैं कि जा रही है प्रैक्टिस करना, मेकअप के प्रैक्टिस करना वीडियो बनाने के लिए। फिर इसके बाद, वो प्रैक्टिस के बाद हम लोग ने एक माइक ढूंढ रहे थे, पर वो माइक मिल नहीं रहा था, फिर कैसे कैसे निकले, रिया ने खोज लिया, अगर वो माइक मिल भी गया लेकिन इतना कॉस्टली था, और ऑनलाइन हमें पॉसिबल नहीं था मिलना, फिर हम लोग ने और खोजा, वो मिला तो ये फाइनली मिल गया, लेकिन हम ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि वो इस टाइम यहाँ पे ऑनलाइन है नहीं। इसके बाद हम लोगों ने निराशा के साथ बस देखा माइक की 6,000-3,000 से स्टार्टिंग था, बट हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हमने कहा जाने दीजिए, क्योंकि मुंबई में थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, तो मैंने सोचा कि कोई और अगर ला देगा तो ठीक है। इसके बाद रिया वो अपना तैयारी करने लगी जाने का, क्योंकि रिया को अपना आज फ़ोन का MI जमा करना था, तो वो अपना सब ID चेक कर रही थी, और ये श्वेता उसके फ़ोन का वो डिब्बा लेके अब ये लोग निकल रहे हैं मुझे बाय बोल के। गाइस, जब तक ये लोग रहते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है, फिर मैं अकेली पड़ गई फिर, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद प्रज्ञा आ गई, प्रज्ञा ने मुझे चॉकलेट गिफ्ट किया, थैंक यू सो मच प्रज्ञा। सब लड़कियां बहुत ही अच्छी है जो मेरे पास इस टाइम आ रही हैं, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही ऐसे अच्छे स्माइल देती हैं, सब मेरे साथ अच्छे से रहती। फिर ये भी चली गई मुझे बाय बोल के, फिर मैं अकेली हो गई, तो मुझे लगा कि मुझे दुकान की सफाई करना चाहिए, काफ़ी टाइम से जब से ठंडी पड़ रहा है, पोछा है हफ्ते में एक बार ही मारती हूँ नीचे, तो फिर मैंने सोचा कि पहले ट्रॉली साफ कर लूँ, इसके बाद ठंडी में, गाइस मेरी जवान भी लड़खड़ा रही है, ट्रॉली साफ किया मैंने। ट्रॉली साफ करने के बाद ट्रॉली बहुत गंदी हो गई थी, सफाई तो रोज होती थी लेकिन पोछा रोज नहीं लगता था, बट सोचा आज शाम है और अभी लड़कियाँ चली भी गई हैं तो मैं पोछा मार दूँ, तो फिर मैंने नीचे का पूरा पोछा मारा, और एक हाथ से पोछा मारी थी, एक हाथ से वीडियो बना रही थी गाइस, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ अभी, लड़कियाँ चली गई सब। फिर पोछा मैंने अच्छे से मारा, पोछा मारने के बाद गाइस एक फ्रेंड आ गया, मैंने उसका वीडियो उसने अलाउ नहीं किया था, तो मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया, बट मैंने थोड़ा सा उससे बात किया, बात करने के बाद पोछा ओछा मार लिया और पोछे सुखवा लिए, जगह जगह दाग पड़े थे, तो मैंने कहा एक बार फिर से देख लेती हूँ, क्योंकि ना जूते पहन के सब अंदर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, और मैं मना भी नहीं कर सकती क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और लड़कियाँ बीमार पड़ जाएंगी। इसके बाद मैंने लाइट ऑफ किया, फिर मैं अपने रूम के लिए तैयारी कर ली, निकल गई, और फिर मैंने दुकान के बाहर फिर मैंने शटर गिराया, एक हाथ से कैमरा एक हाथ से शटर गिरा थी। शटर गिराने के बाद गाइस मैंने उसमें लॉक लगाया, लॉक लगाने के बाद फिर मैं अपने गली से सीधे से रास्ता पकड़ के सीढ़ी से घर के लिए न झोला उठाया और निकल पड़ी। रास्ते में लेना था मुझे सब्जी,
पर राम जी के जब से ये सब हैं सब्जियां नहीं थी, फिर मैं गली गली में, आप देख रहे हैं कितना अंधेरा मेरे दुकान के सामने से जो गली है, पूजा आईटीआई का वहाँ बहुत अंधेरा रहता है, मुझे डर भी लगता है, और 7 बज रहे थे, डर तो लगता है लेकिन क्या करूँ, काम तो करना ही है और अकेले ही रह रही हूँ तो मुझे ये सब फेस तो करना ही पड़ेगा। फिर वहाँ से मैं अकेले अकेले फटाफट आ गई रूम पे। रूम पे आने के बाद मैंने निकाले अपने शूज, रूम सब बिखरे थे, पहले दरवाज़ा लॉक किया, शूज निकालने के बाद रूम सब बिखरे थे, ये देखिए मैं ही सब बिखराई थी नमकीन और टोस्ट खा के, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था। फिर मैंने उठाया झाड़ू, मैंने मोजे वोजे उतारे, इसके बाद मैंने उठानी है झाड़ू और मुझे पूरा रूम क्लीन करना है। पोछा झाड़ू एक ही पास है, आप देख ही रहे हैं, और मैंने झाड़ू उठाए, उठाने के बाद सब रूम क्लीन किया। गुड नाइट, मुझे